आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा। आपने जो भूखे प्यासे को जो पेट भरती है उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। ये तो भगवान की कृपा है और वही सब कार्य कर रहे हैं। आप तो मेरी माता और पिता है। माता पिता जो न दे सकती है आपने सब दे दिया है। शिक्षा दीक्षा सब कुछ आपके लिए मैं पा सकती हूँ। खुश रहिए। और एक बात कहना है, मेरे बेटा अभी से प्लस टू में गया है। वो जो गया है? प्लस टू। अच्छा। वो जो हॉस्टल में रह रही है वो मांसाहारी है, वो शाकाहारी खाद्य खाती है। वो कह सकती है मैं दीक्षा ले सकती हूँ ना क्या? हाँ ले सकते हैं। प्याज रसन चलता है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब छूट जाएगा। अरे ये छोटा बेटा भी लेना है? ले लेंगे। ले लेना है, उसका आशीर्वाद दीजिए। उनका 10 का रिजल्ट आया है। बिल्कुल अच्छा ही आएगा। करती है, उसका भी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। आपके चरणों में कटी कटी थे। प्रभु राधे राधे। जी प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ, उड़ीसा में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि हिंदी का बात समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा आपको अगर उड़ीसा उड़िया भाषा में अगर लैंग्वेज ट्रांसफर कर सकते हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है। उड़ीसा में कथा को उड़िया भाषा में ट्रांसफर किया जाए, ठीक है, प्रयास करेंगे, आपने बोला है तो। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरु जी। जी हम तो मतलब मेरी इच्छा बहुत मतलब बहुत ज्यादा मैं खुश हो गई। मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी इतना ज्यादा मैं कि कभी मैं आपको देखूं। लेकिन ये मेरी भाभी हैं, ये हमको लेके आई हैं, इनको आशीर्वाद दे दीजिए, ये खुश रहे। बिल्कुल। बस राधे राधे गुरु जी, बस यही मेरी तमन्ना है। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे मम्मी पापा शिव जी का मंत्र लिए हुए हैं, लेकिन मेरे पापा ना तुलसी के माला पे हरे राम जपते हैं। सही है। जप सकते हैं? हाँ, तुलसी की माला से भगवान का नाम जपना चाहिए। तो वो ना गुरु मंत्र उनको ना शिव जी का लिए हुए, हमारी मम्मी परेशान है ना। कोई बात नहीं बेटा, शिव जी और राम कोई अलग थोड़ी हैं। हाँ वो तो पापा यही बात कहते हैं इसलिए नहीं मानते, लेकिन मम्मी नहीं मान रही। मम्मी कहाँ? मम्मी तो बाहर लाते हम समझाते। तो मम्मी भी उसी तुलसी की माला पे जप सकती है? हाँ, माला सबकी अलग अलग होनी चाहिए। हाँ सबकी अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा। पिता की अलग, पुत्र की अलग, पति की अलग, पत्नी की अलग। और बहनों की? बिल्कुल अलग सबकी। ठीक, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। जय सिया राम गुरुदेव। जय सिया राम। डूंगरपुर राजस्थान से पधारा था, आया था गुरुदेव जी। आपका आपने आज कथा में कहा गुरुदेव कि दूसरे धर्म से अपन को अपने हिंदू धर्म को बहुत हानि है। गुरुदेव क्रिश्चनों से तो हानि है ही सही गुरुदेव, लेकिन हमारे क्षेत्र में बाबाओं से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कैसे? जैसे कि हरियाणा के रामपाल जी को ले लो। हाँ। हरियाणा के निरंकारी मिशन को ले लो। बिल्कुल। तो मेरे समाज के लोग गुरुदेव, मैं कीर समाज से हूँ, कीर केवट जो यजमान बने वो हम एक ही हैं जी। तो हमारे समाज में गुरुदेव आधे लोग रामपाल जी के शिष्य जो सर पे तिलक नहीं लगाते हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। मेरी बहन, खुद मेरी बहन मेरे घर का खाना नहीं खाती गुरुदेव। क्यों? वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु की दीक्षा लोगे। बोले तुम्हारे गुरु जी तो जेल में हैं। पर आप गुरुदेव क्या पता, वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु की दीक्षा लोगे तो भी हम आपके घर का भोजन करेंगे। गुरुदेव मैंने आसपुर क्षेत्र में राम भगवान का मंदिर। बोले अच्छे कर्म होते तो जेल काहे जाना पड़ता उनको। जी गुरुदेव। है ना, अच्छे कर्म होते तो उन्होंने तो देश द्रोह किया ना। जी गुरुदेव। देश की सेना पर उन्होंने फायर कराया था तो ये तो देश द्रोह है। देश द्रोही को बताइए, मूर्ख लोग भगवान कह रहे हैं और उनके गुरु मान रहे हैं। और गुरुदेव मैंने आपके आशीर्वाद से वहाँ पर राम मंदिर बनाने का पहल की और शिखर तक मंदिर पहुँच गया है। आप बिल्कुल अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रचारक बनिए सनातन के। इसी पर प्रश्न आ रहा है गुरुदेव, मैंने वहाँ पर राम मंदिर बनाने का शिखर तक मेरा मंदिर पहुँच गया आपके आशीर्वाद से। तो गुरुदेव मेरे समाज के लोगों ने मुझे चंदा नहीं दिया, कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने मना बोल रखा है कि मंदिर में पैसा दान नहीं करना। अब आप उन समाज के लिए क्या उपदेश देते हो गुरुदेव, ताकि आपकी वीडियो देखकर मैं बता सकूं? तो वो क्या चाहते हैं कि किसका मंदिर बनाएं? बस गुरुदेव का, उनके रामपाल जी का। बताओ, अब कलयुग है ये, यहाँ भगवान को भगवान नहीं मानते। इससे अच्छा है कि बाबा को भगवान मानने से अच्छे अपने माँ बाप कई भगवान मान लिए होते तो उनका उद्धार हो जाता मूर्खों का।
लेकिन ये भगवान अपने माँ बाप को भी नहीं मान रहे हैं जिसने जन्म दिया। चलो उनकी सेवा कर लो तो श्रवण कुमार बन जाओ। ये बाबाओं को भगवान है ना, सही कहा, ये सब विधर्मी ही है। ये सब ये अज्ञान इनका इतना चरम सीमा पर है अज्ञान के, पूछो मत। ये लोग गीता का गलत अर्थ करते हैं, ये वेदों का पुराणों का गलत अर्थ करते हैं। सही होते तो आज सही कार्य ना कर रहे होते, जेल में रोटियां थोड़ी तोड़ रहे होते। सही है गुरुदेव, आप आशीर्वाद। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अच्छे कर्म होते तो जेल काहे जाते। और गए भी थे तो फिर देश द्रोह के केस में जेल क्यों गए? और ये तो देश द्रोह ही था। तो आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव कि मेरे भगवान राम का मंदिर आपके सहयोग से मैं बना रहा तो वो बने, और प्राण प्रतिष्ठा जब भी हो तब आपकी भागवत कथा वहाँ पर हो। बिल्कुल बिहारी जी कृपा करेंगे जी। गुरुदेव सही कहा आपने, इन लोगों से भी बचने की जरूरत है, मूर्खों से। सनातन धर्म को इन लोगों से भी खतरा है, ये गलत बरगलाते हैं, मूर्ख उल्टी सीधी बातें करते हैं। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, एक प्रश्न है कि घर के मंदिर में अपन खड़े खड़े पूजा कर सकते हैं? खड़े होके बैठ के कैसे भी करिए करिए। अच्छा, कर सकते हैं, फल पूरा मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। भगवान की आरती तो खड़े होके ही उतारती है ना, खड़े होके उतारते हैं। ठीक है, राधे राधे गुरु जी।